रुकदे अगली अहम खबर दा गल करदे आं पंजाब विधानसभा दे इजलास दी जिस दा कि अज दूजा दिन है ते अज वी दस दिए कि परोजगी मते ते सदन विच हंगामे दे आसार ने क्योंकि परोजगी मते नूं लैके ही पहला एक दिनी विशेष सैशन जिहड़ा है सदन दी गल सामने आई सी और उस तों बाद हुण दस दिए कि अज दूजा दिन है क्योंकि एक्सटेंड ए सैशन कर दिता गया दोपहर 2 बजे जिहड़ा है सदन दी कार्रवाई शुरू होवेगी। दस दिए कि LOP प्रताप बाजवा ने CM दे खिलाफ निंदा मता लियाउण दी मंग भी कीती है। विधानसभा स्पीकर कुलतार संधवा नूं चिट्ठी लिखी गई है। प्रताप बाजवा वालों कहा है कि CM ने भरोसगी मता लिया के राजपाल के हुक्मों की उलंघना की। उधर BJP वालों भी विधानसभा दे विच पेश भरोसगी मते की राजपाल नूं शिकायत की गई है। सो अज दोपहर 2 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। मनिया जा रहा है कि अज भी हंगामा भरपूर रहेगा यह पूरे का पूरा इजलास क्योंकि विरोधी धिर ने सरकार को घेरन की तैयारी की है। पहले दिन भी जिस तरह के नाल भरोसगी मता CM दे वालों की पेश किया गया सीगा उदों भी काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला होया। कांग्रेस दे वालों की बायकॉट किया गया विरोध किया गया जिस तो बाद कांग्रेस के विधायकों स्पीकर वालों बाहर कढ़ दिता गया सीगा। जी हाँ, और खासा हंगामा उस दिन देखने को मिलिया और अज भी पूरी तरह हंगामा भरपूर रहने के आसार ने। और सब तो वड्डा मुद्दा है भरोसगी मता जिसनों लैके टकराव की स्थिति जी है सरकार की विरोधी पार्टियां की बनी हुई है क्योंकि इस भरोसगी मते को लैके ही बवाल जड़ा है वह शुरू होया। सो अज भी हंगामे के आसार ने भरोसगी मते ते आप सरकार बुरी तरह किरी हुई है जिससे भी आज एक बार फिर चर्चा होगी उते BJP वालों भी राजपाल नूं इसकी शिकायत की गई है। जी हाँ, जिथे प्रताप बाजवा जो LOP लीडर ने विरोधी धिर दे आगू ने उन्हां दे वालों दी स्पीकर नूं यह पत्र लिखा गया है कि CM के खिलाफ जो है वह कार्रवाई की जाए क्योंकि उन्होंने हुक्मों की उलंघना की है, उन्होंने राजपाल के हुक्मों की उलंघना की है, भरोसगी मता उन्होंने लिया। इसे लैके उन्होंने पत्र लिखा कि CM तो इस पर स्पष्टीकरण मंगया जाए। दूजे पासे भारतीय जनता पार्टी ने राजपाल नूं शिकायत की है मुख्यमंत्री भगवंत मान की, उन्होंने खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई है क्योंकि उन्होंने राजपाल के हुक्मों की उलंघना की है। पहला भी थानू दस दिए कि पूरा घटनाक्रम वापरिया सीगा 22 सितंबर नूं, उदों सरकार ने अपने एजेंडे दे विच दस्या सीगा कि भरोसगी मता लिआउणा है, राजपाल ने उह सैशन रद्द कर दिता सीगा। फिर दूजी वार जो है सरकार वालों हुण 27 तरीक नूं इह सैशन शुरू होया उस दे विच एजेंडा रख्या गया कि पराली बिजली ते GST दे मुद्दे ते चर्चा करनी है पर आखिरी वेले दे विच भरोसगी मता इस दे विच शामिल कीता गया। बिल्कुल, और रविंदर भी साडे नाल जुड़ चुके ने। रविंदर, जिस तरह दे नाल ए इजलास सद्या गया सी, हालांकि एक दिन दा इजलास लेकिन इसकी म्याद वधाई गई, पहले दिन बेहद हंगामा भरपूर सैशन रहा और अज भी उसी असार उसके नजर आ रहे ने कि सरकार नूं पूरी तरह घेरिया जाएगा विरोधियों वालों। बिल्कुल, देखो आज भी एक बार फिर तो जो विधानसभा के सदन के अंदर हंगामा देखने की पूरी संभावना हैगी है क्योंकि विश्वास प्रस्ताव के उत्ते अज चर्चा होनी है जिसका विरोध तमाम विरोधी पार्टियां कर रहे, खास तौर से BJP कांग्रेस अकाली दल लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि अगर गवर्नर ने इस चीज की जानकारी दी नहीं गई तो फिर एकदम नाल ये विश्वास प्रस्ताव कॉन्फिडेंस मोशन टेबल क्यों किया गया, वो भी सब तो पहला जिड़े मुद्दे से चर्चा होनी थी वो मुद्दे पिछे कर दिए गए और कॉन्फिडेंस मोशन सब तो पहला पेश कर दिया गया उसे चर्चा की गई। इस तो बाद कांग्रेस ने जरा विरोध कांग्रेस को भी सरकार का स्पीकर का विरोध चलना पाया तो उस बाद कांग्रेस को मेल किया गया, कांग्रेस ने बाहर जी एक अपनी मॉक सैशन की प्रक्रिया चलाई तो यह तमाम चीजा पिछले दिन वापरिया। 4 दिन का सैशन हैगा, सैशन का दूसरा दिन अज होगा, 2 बजे के दिन की शुरुआत हुई थी और सैशन की शुरुआत के लिए हंगामा होने की पूरी संभावना है जिसे तो शायद लोगों को कुछ ना मिले लेकिन सियासी लाहा बखेरा थकिया जा सकता है ओपोजिशन वालों भी सरकार वालों भी। जी जी रविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी की, तुहाडे तो अपडेट लेंदे रहांगे। सो लगातार जो है अज सरकार विरोधी धिरां दे निशाने ते है, विरोधी धिरां वालों सरकार नूं घेरन की रणनीति जो है वह बनाई गई।